आपको मेरे चैनल में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें आपको पहले पेज में लिखा गया है कि वी यूज इन आर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टर्मरिक एंड कॉमन सॉल्ट। इसमें लिखा है कि हम ज़्यादातर हर दिन ऑलमोस्ट कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं जो कभी कभी खट्टी होती है और कभी कभी कड़वी होती है। वो उसमें ये बताना चाह रहा है कि कुछ जो खट्टी होती है वो बेसिकली एसिडिक होती है। एसिडिक मतलब वो चीज़ होती है जिसमें एसिड कंटेन होता है, जिसमें मतलब एक एसिड होता है। जो भी एसिड होते हैं वो बेसिकली हमें सार मतलब कि खट्टा, हमें उसका टेस्ट एकदम खट्टा सा आता है। फिर इसमें आपको कॉशन लिखा है कि आपको हर चीज़ें ट्राई नहीं करनी है क्योंकि वो जो बाकी चीज़ें होंगी वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल होंगी। अब हम आते हैं इसमें 5.1 टॉपिक है, इसमें आप आ जाइए। जिसका नाम है एसिड एंड बेसिस। एसिड बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आपको खट्टी, जब भी आप उसको टेस्ट करते हैं आपको वो खट्टी लगती है। और जब भी हम एसिड को किसी पानी में मिलाते हैं तो जो पानी का हाइड्रोनियम लेवल है, जो बेसिकली ये है H3O+, वो बढ़ा देता है। यही एसिड का मेन प्रॉपर्टी है, या फिर ये है कि ये एसिड के बारे में बताया गया है। फिर हम आते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। वो होते हैं जो आपको बिटर टेस्ट करते हैं, मतलब जो उनका कड़वा टेस्ट होता है। और जब आप उन बेसिस को अपनी उंगलियों में ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको सोपी फील होता है, साबुनी ऐसे बोलते हैं, आपको स्लिपरी सा फील होता है। फिर इसमें लिखा है, फिर आगे एक टेबल दी गई है डू यू नो में। इसमें बताया कि एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंट स्टिंग में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, एस्कॉर्बिक एसिड आमला एंड सिट्रस फूड। ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। फिर हम आते हैं लिटमस टेस्ट अ नेचुरल डाइट। जैसा कि हमने दोस्तों पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लीजेंस होती है वो सिम्बायोटिक रिलेशन होती है बिटवीन एल्गी एंड फंगस। इसका जो नॉर्मल कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल होता है। और बाकी जो पर्पल होता है और उसको बेस में यूज़ करें तो वो रेड होता है, और बेस में नहीं एसिड में यूज़ करें तो वो रेड होता है, और बेस में करें तो वो ब्लू होता है। जैसे कि ये दो कलर के लिटमस पेपर है, जैसे कि ये बेस के लिए है और ये वाला एसिड्स के लिए है। और हमें जितने भी दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, ये दो, एक ये बेस के है, ये एसिड, ये आपको एसिड ढूंढने के लिए होता है और ये आपको बेस ढूंढने के लिए होता है। रेड हमने बेस इसलिए किया है क्योंकि जब भी बेस जो लिटमस पेपर, वो भी रेड लिटमस पेपर में अगर आप उसे डालोगे बेस को तो वो ब्लू कलर में चला जाए, वो ब्लू कलर हो जाएगा जहाँ पे भी आपने डाला है। और जो ब्लू कलर का है वो आपको बताता है कि ये बेस है, और अगर आप इसमें कोई एसिड डालते हैं तो ये लाल हो जाता है। हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसका ये पता कर सकें कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। आगे आते हैं, फिर आगे आपको एक्टिविटी 5.1 दी गई है, उसमें भी वही है कि आपको दो लिटमस पेपर लेने, एक है रेड और एक होता है ब्लू। रेड वाले में जो हमको पता है वो एसिड के लिए यूज़ होता है, एसिड वो बताता है कि वो एसिडिक है, और जो ब्लू वाला होता है मतलब कि वो बेसिक है, मतलब कि रेड एसिडिक ब्लू बेसिक। अगर आप उसमें बेस डालोगे तो ब्लू होगा, और अगर आप ब्लू वाले में एसिड डालोगे तो वो रेड होगा। फिर हम आते हैं एक्टिविटी 5.2। वो बेसिकली क्या होती है, वो टर्मरिक टेस्ट होता है। जैसे कि ये मैंने पेपर तैयार किया है, इसमें बेसिकली मैंने टर्मरिक जो है उसका पहले थोड़ा पेज बनाया, इसको इसके आगे पीछे स्प्रेड कर दिया, अच्छे से मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब जब मैं इसमें बेस डालूँगा तो क्या होगा, देखिए ये बेस है जो है कोलीन। जब हम कोलीन को, मतलब जो भी हम, जब भी हम कोई कोलीन या फिर विंडो क्लीनर अमोनियम क्लोराइड को किसी टर्मरिक या फिर हल्दी में डालते हैं तो इसका कलर ऐसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम ब्राउनिश रेड कलर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं जब भी वो बेस में हम डालते हैं तो ये जो कलर होता है वो ब्राउनिश रेड में जो होता है फॉर्म हो जाता है। एसिड्स में भी वही होता है, पर उसमें भी येलो ही होता है, ठीक है। आगे फिर इसमें बताया गया है चाइना रोज। इसमें पहले आपको चाइना रोज लेना है जो है गुलड़, उसको आपको फिर उबालना है। फिर आप उसको उबाल के आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। अगर उसमें अगर आप एसिड डालोगे तो वो
पिंक में बदल जाएगा और बेस डालोगे तो वो हरे में बदल जाएगा। यही है इसमें चाइना रोज इंडिकेटर का। फिर इसमें दिया है कि इसमें पहली ऐसी थी है जैसे कि कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट इज इट एन एसिड और अ बेस। अब इसमें हमको जैसे पता है कि जो जो इसका बेसिकली आंसर है, ये जो कुछ कॉफ़ी होती है उनका पीएच लेवल जो होता है वो 7 से कम होता है और कुछ का 7 से ज़्यादा होता है। पीएच स्केल वो बेसिकली वो होता है जो बताता है कि जो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। 7 से जो पीछे होता है वो एसिडिक होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 से ज़्यादा होता है वो बेस होता है। 7 बेसिकली न्यूट्रल होता है। अब हम आते हैं एसिड रेन में। जैसे कि जो पॉल्यूटेड सिटीज मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है उसमें जैसे कि देखें कि इधर बहुत सारी फैक्ट्रीज है, इधर बहुत ही सारा धुआं है, मतलब जो मतलब गंदा धुआं होता है जिसमें नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब होती है वो इस धुएँ वाला गंदे से धुएँ पॉल्यूटेड धुएँ से निकलती है। फिर जब वो ऊपर जाती है तो ये जैसे कि हमें पता है क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं, वो बेसिकली जब नीचे पानी होता है और जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो वाटर वेपर बनता है, फिर वो कलेक्ट होकर क्लाउड बन जाता है। पर जैसे कि हमें पता है कि वाटर वेपर होता है उसके लिए वो एयर भी चाहिए हमें, क्योंकि जब वो गर्म होगा तो हवा ऊपर आएगी। जब वो हवा इस गंदी हवा से मिलती है तो बेसिकली वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करती है जो इसी का ही क्लाउड बन जाता है। जो इस गंदी गैस का जो क्लाउड होता है जब उसकी बारिश होती है, फिर जब वो कुछ पेड़ में, तालाब में, इन सब में गिरता है तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँचाता है। जैसे कि अगर पॉन्ड्स में गिरा तो मछलियाँ मर जाएंगी, पेड़ में गिरा, मॉन्यूमेंट में गिरा, स्टैचूज में गिरा, उनको बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डैमेज। अब हम आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली वो होता है जिसमें एक एसिडिक सब्सटेंस और एक बेसिक सब्सटेंस को हम एक साथ मिलाते हैं, तब एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, वो है सॉल्ट एंड वाटर। ये जो चेंज है आपका बेसिकली वो है एक्सोथर्मिक चेंज, जिसमें हीट जो होती है वो इवॉल्व करती है, हीट जो होती है वो निकलती है, इवॉल्व करती है। फिर इसमें दिया है एक्टिविटी 5.5 में फिनोफ्थलीन, ये भी एक इंडिकेटर है जो बेसिकली कलरलेस होता है और वो एसिड में भी कलरलेस होता है और बेस में वो पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर हम आते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ इनडाइजेशन। जैसे कभी भी आपको एसिडिटी हुई होगी तो आपने कोई बेसिक चीज़ें ली होगी, जैसे एसिडिक हुआ तो आपने कोई जो एसिड है आपके पेट में आपने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेसिक चीज़ ली होगी, जैसे इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दो ऐसे बेस है जो एसिड जो हमारी स्टमक में और ज़्यादा हुआ उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे स्टमक में तो पहले से ही एसिड होता है, पर जब और ज़्यादा एसिड हो जाता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई ना कोई बेस यूज़ करते हैं ताकि जो उसका इफेक्ट है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर हम आते हैं एंट बाइट में। जैसे कि हमें पता है कि जो एंट बाइट होती है या फिर एंट स्टिंग होती है वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ये भी एक एसिड की प्रॉपर्टी है, जब भी आपकी स्किन से जब एसिड कॉन्टैक्ट करेगा तो सारा मॉइस्चर सोख लेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही जलन सी फील होगी। जब इस समय हम बेसिकली क्या लगाते हैं, लैक्टोकैलामाइन बेसिकली वो ज़्यादा रिच होती है जिंक कार्बोनेट में, जो उसका जो असर होता है उस एसिड का उसको अच्छे से न्यूट्रलाइज कर देती है। फिर हम आते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में। जैसे कि कोई सॉइल है मेरे पास, एक है लैंड ए और एक लैंड बी है। जो लैंड ए है उसकी सॉइल जो है मेरे बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, जो मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे थोड़ी न्यूट्रल चाहिए, मुझे ज़्यादा एसिड नहीं चाहिए। तो मैं उस सॉइल का ट्रीटमेंट करने के लिए उसमें बेस मिलाऊंगा ताकि उसका जो इफेक्ट होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और मेरे पास दूसरा लैंड है वो है बेसिक, उसमें बहुत ज़्यादा बेस है, मुझे थोड़ा एसिड चाहिए, मैं उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना है, तो मैं उसमें एसिड डालूंगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और मेरी और जो फसल हो अच्छे से मेरी ग्रो करे। हम सॉइल ट्रीटमेंट बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो सॉइल हो वो ज़्यादा एसिडिक भी ना हो, ज़्यादा बेसिक भी ना हो। फिर हम आते हैं फैक्ट्री वेस्ट।
जैसे कि हमें पता है कि जो फैक्ट्री वेस्ट्स होते हैं वो बेसिकली उनमें बहुत ही ज़्यादा एसिड बेस इन सारी चीज़ों होते हैं जो आपके जो पॉन्ड्स, जब भी वो पॉन्ड्स में जाती है तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होती है वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्म करती है, जिसकी वजह से वो मर भी जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जितने भी आपके फैक्ट्री वेस्टेज हैं उनको आप पहले अच्छे से ट्रीट करें एसिड या बेसिक से बेस से, ताकि वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए उसका इफेक्ट और वो ज़्यादा डैमेज ना पहुँचाए। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा चैप्टर ख़त्म होता है और अभी हम और अब हम पढ़ेंगे और अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज, मतलब कि उसके हम आंसर्स देखेंगे। स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक हम आप वही बोल सकते हैं वो सार होते हैं, बेसिक जो होते हैं वो थोड़े बिटर होते हैं, एसिडिक होते हैं एसिडिक नेचर वो हाइड्रोनियम की जो वैल्यू होती है पानी में बढ़ाती है, जो बेसिक होते हैं वो हाइड्रोक्साइल की वैल्यू होती है ज़्यादा बढ़ाती है। फिर हम आते हैं कि अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, व्हाट इज इट नेचर, इट्स नेचर इज बेसिकली अ बेसिक सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको टर्मरिक टेस्ट में दिखाया, जब भी टर्मरिक टेस्ट में अगर आप कोई बेस सब्सटेंस डालते हो तो वो ब्राउनिश रेड हो जाता है। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस पेपर इज ऑब्टेन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। Litmus paper is basically obtained from lichens, lichen which is a symbiotic relation between algae and fungi. The basic uska basic color, matlab the basic color of the lichen is purple, and if we pour that solution in an acidic solution it will turn red and in base it will turn blue. Is the distilled water acidic, basic or neutral? Yes, distilled water is neutral. Mark true in the statement. Find whether that a statement is true or false. Nitric acid turns red litmus paper blue. False. It is basically an acid. If we will pour that acidic substance in a red litmus paper, it will be converted into only red. There will be no change in the color. Sodium hydroxide turns blue litmus paper red. This statement is wrong. ये इसलिए आपका ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो आपको बेसिक के बारे में, वो बेसिकली वो बेसिक होता है इसलिए उसका कलर ब्लू होता है, इसलिए क्योंकि हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा बेस है वो, इसलिए ये गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये ट्रू है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा दूसरा जो बेस है जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से आपको सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। टू डिकेस कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये आपका ये गलत है, क्योंकि जब भी हमारे टीथ में कोई शुगरी सब्सटेंस होता है, जो जितने भी अंदर के बैक्टीरिया होते हैं वो सिखा के एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से टूथ डिके होता है। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है, अब मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ जिसकी वजह से आपको अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा कलर किस में बदलता है, कौन सा किस में। इंडिकेटर एसिड और बेस, जैसे कि हम इंडिकेटर है टर्मरिक वाला इंडिकेटर, जब हम उसको एसिड में डालेंगे तो येलोइश कलर ही होगा, येलो कलर, और अगर आप उसको बेस में डालोगे तो वो होगा ब्राउनिश रेड। फिर हम आते हैं चाइना रोज वाले, वो चेंज होगा एसिड सब्सटेंस में पिंक पर्पल, और वो बेसिक में चेंज होगा ग्रीन। अब आते हैं हम फिनोफ्थलीन, फिनोल
इसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी है, आप इसको तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। जब भी हम फिनोफ्थलीन में एसिड डालते हैं वो क्या होता है, कलरलेस। और बेसिक में डालते हैं वो पर वो टर्न हो जाता है पिंक। तो दोस्तों मैं आज इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।